नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 8 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले को लेकर जो ब्रिस्बेन के मैदान पर खेला जाना है उस मैच को लेकर एक बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वही दूसरी तरफ आईपीएल 2021 के वेन्यू को लेकर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत यहां पर बीसीसीआई के सामने आ गई और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर, जहां पर चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है लेकिन भाई यहां पर भारतीय टीम बहुत ही खराब हालत में जा चुकी है। डे वन में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की तरफ से हमें जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। ऋषभ पंत ने वहां पर दो दो कैच छोड़े जिसके चलते भाई सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत का बहुत ज्यादा मजाक बना, बहुत ज्यादा आलोचनाएं उनको सहनी पड़ी। उनके अलावा यहां पर इस मैच में नवदीप सैनी को डेब्यू करने का मौका मिला था और भाई नवदीप सैनी को यहां पर अपने डेब्यू मैच में ही पहला विकेट, एक बहुत ही बड़ा विकेट उनको मिला। तो भाई काफी सारे स्टैट्स यहां पर बने लेकिन आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये जो सीरीज खेली जा रही है इसका तीसरा टेस्ट मैच जो सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है वहां पर 25% ऑडियंस मौजूद है और यहां पर यदि कोई दर्शक मास्क का यूज नहीं करता है तो उसके ऊपर $1,000 का यानी लगभग ₹70,000 का फाइन लगा है। हालांकि यहां पर डे वन में 2-3 दर्शकों को यहां पर यह बड़ा जुर्माना बड़ा फाइन लगा है और आगे भी यहां पर रूल्स को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है। उसके अलावा आप सभी को पता है कि डे वन में बारिश ने काफी ज्यादा परेशान किया और भाई यहां पर इस पूरे ही मैच पर बारिश का साया रहने वाला है। सिडनी का टेस्ट मैच हमें ड्रॉ भी देखने को मिल सकता है क्योंकि भाई यहां पर अगले 2-3 दिन मौसम विभाग ने बारिश का मौसम बताया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़े सभी अपडेट्स और साथ ही साथ सभी मैचों की फैंटेसी टीम जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट इंडिया 0 सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 के वेन्यू को लेकर। जी हां, कल बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई थी जहां पर ऐसा बताया जा रहा था कि भाई अब जल्दी यहां पर 11 फरवरी को हमें आईपीएल 2021 के ऑक्शंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन भाई वहां पर बीसीसीआई ने ऐसा साफ किया कि आईपीएल 2021 के वेन्यू को लेकर अभी भी लगातार सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि आप सभी को पता है कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने ऐसा बोला था कि भाई यहां पर जो आईपीएल 2021 होने वाला है वो अप्रैल के महीने में हमें भारत में ही देखने को मिलने वाला है, लेकिन भाई अब यहां पर बीसीसीआई की तरफ से जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कुछ ऐसी कि भाई जो फिलहाल अभी हाल ही में भारत में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 की शुरुआत होगी उसके पूरे सिनेरियो को देखते हुए भी आईपीएल 2021 के वेन्यू को यहां पर डिसाइड किया जाएगा। यदि यहां पर भारत सरकार आईपीएल को अलाउ कर देते हैं तो भाई भारत में आईपीएल हो जाएगा, लेकिन अगर अलाउ नहीं करते हैं तो भाई एक बार फिर से यहां पर आईपीएल को बाहर किसी दूसरे देश में यानी यूएई भी ले जाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर, आईपीएल 2021 को लेकर बीसीसीआई के साथ साथ सभी टीमों ने भी जोरों शोरों से अपनी तैयारियां शुरू कर दी और बहुत ही बड़ा अपडेट यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से निकल कर आ रहा है। जी हां, सीएसके के मैनेजमेंट ने ऐसा बोला है कि भाई इस बार आईपीएल 2021 में सीएसके के स्क्वाड में हमें काफी सारे बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सीएसके की टीम यहां पर केदार जाधव और पीयूष चावला इन दोनों ही खिलाड़ियों को डेफिनेटली रिलीज करने वाली, इन दोनों खिलाड़ियों को रिलीज करके अपने वैलेंट बैलेंस को यहां पर बढ़ाएगी और नए खिलाड़ियों पर यहां पर इन्वेस्ट करने वाली है। केदार जाधव के ऊपर बातचीत करते हुए उन्होंने ऐसा बोला कि भाई आईपीएल 2020 केदार जाधव के लिए काफी खराब रहा, वो फिट भी नहीं थे, अच्छी तरह से वो खेल भी नहीं पा रहे थे, बिल्कुल आउट फॉर्म रहे थे, जिसके चलते भाई
यहां पर सीएसके की टीम आईपीएल 2021 के लिए केदार जाधव से मूव ऑन करना चाहती, यानी भाई ऑक्शन के लिए केदार जाधव को रिलीज कर देगी। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि यदि केदार जाधव की तरफ से हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो अगले सीजन में यहां पर सीएसके की टीम दोबारा से केदार जाधव के ऊपर इन्वेस्ट कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है T10 लीग 2021 को लेकर। और मैंने आप सभी को एक वीडियो के जरिए बताया था कि भाई अब आबू धाबी T10 लीग 2021 की शुरुआत में भी थोड़ा ही टाइम बचा है, 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच वह शानदार T10 लीग खेली जानी है। लेकिन यहां पर एक T10 लीग में एक टीम होने वाली है, टीम आबू धाबी, उस टीम को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। जी हां, टीम आबू धाबी की जो मैनेजमेंट, उन्होंने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर ऐसा बता दिया है कि भाई यहां पर कुमार सांगकारा इस टीम के मेंटर का रोल अदा करने वाले हैं। T10 लीग 2021 में मेंटर की पोस्ट टीम आबू धाबी की यहां पर कुमार सांगकारा के पास है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि भाई टीम आबू धाबी में इस सीजन में यानी 2021 में एलेक्स हेल्स, क्रिस्टोफर हेनरी गिल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 को लेकर। और यह खबर थोड़ी सी बड़ी है, आप सभी लोगों के लिए जाननी काफी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल सोर्सेज के हवाले से ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि भाई बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने सभी जो फ्रेंचाइजी उन सभी को लेटर भेजा है कि भाई आप सभी लोग 20 जनवरी से पहले अपने रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपे। लेकिन भाई यहां पर बीसीसीआई ऑफिशियल्स और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के जो ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। इसी वीक में हमें आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की एक मीटिंग होती हुई दिखाई देने वाली है, जिस मीटिंग में यहां पर उस फाइनल डेट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि भाई किस तारीख से ट्रेड विंडो की शुरुआत होने वाली है, ट्रेड विंडो कब बंद होगी और किस तारीख तक यहां पर अपनी सभी फ्रेंचाइजियों को रिलीज्ड और रिटेन्ड खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर, जहां पर इस सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन के मैदान पर खेला जाना है। काफी रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला था, लेकिन भाई इस मैच की शुरुआत से पहले भाई विवादों में यह मैच आ चुका है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि भाई पहले तो ऐसा चला था कि भाई वहां के मंत्री ने कुछ यहां पर भारतीय टीम को लेकर बोला था कि भाई यदि भारतीय टीम ब्रिस्बेन में खेलने के लिए आती है तो वहां के रूल्स को उनको रेगुलरली बिल्कुल अच्छी तरह से ढंग से फॉलो करना पड़ेगा, यदि यहां पर रूल्स की अवहेलना की जाती तो भाई ऐसे में यहां पर भारतीय खिलाड़ियों पर एक्शन भी लिया जा सकता है, जिसके बाद बीसीसीआई भी यहां पर थोड़ा सा एग्रेशन में दिखाई दी। और भाई कल बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को एक लेटर लिखा, जहां पर बीसीसीआई ने साफ साफ आधिकारिक तौर पर ऐसा लिखकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास भेजा है कि भाई भारतीय टीम ब्रिस्बेन के दौरे पर जाना नहीं चाहती है। भाई यहां पर बीसीसीआई भी अब थोड़ा थोड़ा भारतीय टीम के फेवर में नजर आ रही है। हालांकि कुछ टाइम पहले बीसीसीआई खुद ऐसा बोल रही थी कि चौथा टेस्ट मैच हमें डेफिनेटली ब्रिस्बेन के मैदान पर ही देखने को मिलेगा, लेकिन भाई अब ये जो मामला है थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा होता हुआ जा रहा है। इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगा तो भाई सबसे पहले अपडेट आपको क्रिकेट इंडिया पर ही मिलने वाला है। लेकिन भाई जो फिलहाल सिनेरियो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई चौथा टेस्ट मैच यहां पर रद्द भी हो सकता है। तो दोस्तों ये है आज 8 जनवरी 2021 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन सर, आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.